आज करेंगे ब्लैक पिस्टर्ड आईसी की रिबॉलिंग। रिबॉलिंग करने से पहले आईसी को निकालने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक स्पेशल टाइप का टूल है। इसकी अच्छी बात ये है कि जब इसकी टूल से इस टाइप से अपन जब कटिंग करते हैं तो बोर्ड को कम से कम नुकसान इससे पहुँचता है और केवल ग्लू ग्लू इससे कट जाता है। तो चारों साइड से ग्लू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर हम रखेंगे ग्लू की कटिंग के टाइम 250 पे, एयर रहेगा 3 से 4 के बीच में। इसको इसी तरह से स्ट्रेट चलाना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ब्लेड ये काफ़ी पतला है। अगर कोई कंजेस्टेड एरिया भी है, जैसे कई बार कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आईसी से बहुत ज़्यादा पास पास चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो ब्लेड है ये पहुँच जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि बोर्ड को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कटेगा तो सिर्फ ग्लू कटेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कटिंग तो हो गई है चारों साइड से। ये कटिंग हम इसलिए भी करते हैं कि आसपास के उसके कंपोनेंट्स जब आईसी निकालते हैं तो आईसी के साथ बाहर ना आ जाएं। और अब आईसी को निकालेंगे तो यहाँ पर कोई फ्लक्स पेस्ट का मैं यूज़ नहीं करूँगा। बस ये इस टाइप से मैंने ब्लेड चेंज कर लिए। ये ब्लेड को अपने को अंदर मतलब आईसी के अंदर इंसर्ट करना रहेगा। मशीन का टेम्परेचर हमने रखा है 330 पे और एयर है इसका 3 पे। तो जब ऐसा लगेगा, थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि अब ब्लेड जो है वो अंदर जा रहा है, तो ब्लेड अब ये देखिए अंदर जाने लगा है। अभी भी इसमें जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे और बस अब आईसी इसका निकल जाएगा। तो मैं इधर से इसको ब्लेड को इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए ये निकल गई ब्लैक पिस्टर्ड EMMC। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसका मैक्सिमम जो 90-95% जो पेस्ट है वो आईसी के ऊपर ही रह गया, तो बोर्ड यहाँ पे क्लीन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए तो पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब फिर से टेम्परेचर रहेगा 250 पे, एयर रहेगा 3 पे और ये वही वाला ब्लेड है जिससे हमने अभी जो ग्लू की कटिंग जिससे कर रहे थे वही वाला ब्लेड है ये। अभी पेस्ट का यूज़ नहीं किया है हमने, फ्लक्स पेस्ट अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। हल्का हल्का हाथ चलाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस गड़ाना नहीं है हाथ को वरना वो बोर्ड फिर डैमेज हो सकता है। तो चारों जो बॉर्डर्स हैं इसके वो देख सकते हैं आपके, थोड़ा सा पेस्ट इस पे लग रहा है तो इसको क्लीन कर लेते हैं। वैसे ऑलमोस्ट जो पेस्ट था ब्लैक वाला वो आईसी पे जा चुका है, तो यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ पर फाइनली हम फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा PPD पेस्ट आईसी की बॉल्स को का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए। ओके, इतना ठीक है। अब आयरन का टेम्परेचर रखेंगे 350 पे और यहाँ पर भी फिर से वही है कि हाथ ज़्यादा गड़ाना नहीं है, लाइट हाथ से इसको क्लीन करना है। तो अब देखिए कि जब आयरन अपन इस पर चलाते हैं तो आयरन के ऊपर जो बॉल है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, मतलब सारा शोल्डर इसका आयरन की टिप पे आ जाता है। अब इसको डी शोल्डर वायर से इसका जो भी एक्स्ट्रा जो अभी बचा है शोल्डर
उसको यहाँ पे अपन विक कर लेंगे। अब पेस्ट की क्लीनिंग के बाद तो बाकी का जो प्रोसेस होता है वो तो सेम ही होता है, आईसी को रिबॉल करना है और फिर लगा देना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये काम अपना हो गया है बोर्ड को क्लीन करने का। कपड़े से एक बार इसको साफ कर लेते हैं और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं पे कोई पेस्ट वगैरह लगा तो नहीं है। ओके, अब आईसी को देख लेते हैं। तो आईसी का पेस्ट हटाने के लिए फिर से टेम्परेचर हमको रखना है 250 पे। एसएमडी का एसएमडी यूज़ करेंगे, मतलब मैं एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ 857, और टेम्परेचर 250 पे एयर 3 पे। और ये वही वाला टूल है जो अभी जिससे ग्लू की कटिंग की थी। वैसे इसकी जगह आप 007 नंबर का ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, 008 नंबर का। इसको हल्के हाथ से चलाना है, जो ब्लैक पेस्ट है वो आपका आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर भी मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फ्लक्स पेस्ट का। आईसी को होल्ड करने के लिए आईसी होल्डर्स मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको पीसीबी होल्डर में ही फिट करके अपना काम कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो आईसी होल्डर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका पेस्ट निकल गया है, अब फिर से वही करना है अपने को। इस पर थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगा के, फ्लक्स पेस्ट लगा के इस पर आयरन घुमाना है। पीपीडी पेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, वरना उसमें आयरन फिर फंस के चलता है थोड़ा। 350 पे टेम्परेचर रखा है आयरन का, और इसको मिक्स कर लेंगे सब दूर। बस एक बार पेस्ट हटाने के बाद का प्रोसेस तो सेम ही रहता है, जो आईसी जैसे जो नॉन पेस्टेड आईसी को अपन जब रिबॉल करते हैं, तो बाकी सारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा इसके बाद। अब विक कर लेते हैं इसको। विक करने के लिए मैंने वायर को डबल कर लिया है और एक बार इस पर स्टेप से चला देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि काफ़ी बढ़िया तरह से पेस्ट इसका निकल गया है, और अब जब इसकी रिबॉलिंग अपन करेंगे तो एक ही बार में ये EMMC रिबॉल हो जाएगी। ठीक है, रिबॉल कर लेते हैं। रिबॉल करने के लिए नीचे टिश्यू पेपर रखना है, और ये जो पेस्ट है पीपीडी वाला, इसको एक बार थोड़ा सा ड्राई कर लेना कपड़े से। इसको ज़्यादा मतलब टाइट हाथ से प्रेस नहीं करना है जब अपन पीपीडी फिल करेंगे, हल्का हाथ ही रखना है। तो एक्स्ट्रा जो पीपीडी है उसको इसी ब्लेड से सारा एक्स्ट्रा पीपीडी उठा लेंगे। ओके, अब एयर हम रखेंगे 240 पे, सॉरी हीट हम रखेंगे 240 पे, और एयर रहेगा 3 पे। तो ये देख सकते हैं आप कि एक ही बार में ये आईसी रिबॉल हो चुकी है, और अब बस इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसा बोर्ड अपन ने पहले क्लीन कर ही लिया था, अब बस इसको बोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं।
तो जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको कि बॉल्स जो हैं इसकी ये इस टाइप से बनी है। बॉल्स जब भी बनाएंगे तो बॉल्स का शेप, मतलब बॉल्स का जो शेप है वो सबका सेम होना चाहिए, साइज़ सबका सेम होना चाहिए। अगर कोई साइज़ बड़ा छोटा रहता है किसी बॉल का तो फिर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करना है आईसी लगाने से पहले। इसको हाथ से घुमा के एक लेयर टाइप का बना देंगे और आईसी इसके ऊपर मैंने रख दिया। अब आईसी रखने के बाद टेम्परेचर रहेगा 300 पे और एयर हम रखेंगे 3 पे। अब जब इसका पेस्ट बाहर आएगा तो हल्का सा आईसी एक हिला के देखना है, अपनी जगह पे आएगी आईसी जब अपन हिलाएंगे उसको। ये देखिए हिलाने पे अपनी जगह पे आ रही है। तो इस टाइप से जो है हमको ब्लैक पेस्टेड जो ईएमएमसी होती है उसका काम करना है।